लाख में ले सा है खाली धार के लेकर जुटा छकले हो जाए सेवा छरा मार भैंस से तो भैंस से गोटे को हमटा सिलाई देलु हमें ने कोरा बके पार लो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनीता रंजन ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का 6 बज रहा है, तो आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और इधर नीतू अभी मुकान दो रही है, स्कूल जाएगी सो पूरा इसका मॉर्निंग में ही स्कूल है और दूर है, इसीलिए ये जल्दी करती है, जल्दी जाती है। अब नाश्ता बनाएगी अपना खुद से और खा के जाएगी। और अभी का मौसम देख सकते हैं कितना ही प्यारा है सुबह सुबह का। देखिए, आज तक हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। माँ इधर से आ गई परात लेके और गोबर यहाँ पे लेप लगाएंगे, इसलिए क्योंकि आज कुछ त्योहार है इसलिए। माँ आज किना परब लाएगो? आज दीपक लाएगो, आज कुना खाया ना। ओ, आज कुना खाने का दिन है। हम लोग के इधर आज नया चीज खाने का है, आम वगैरह क्या क्या और भी चीज खाने का है, मुझे नहीं पता है उतना, लेकिन आज खाने का है। और पूजा पाठ भी होगा तो माँ पूजा करेंगी, इसलिए भोरे भोरे लेप लगा रही है। और अभी मैं खाना बनाऊंगी, जो मेरा डेली का रहता है खाना बनाने का काम वही। और आज हम लोग का ऊपर वाला घर में भी काम होगा, सुभैया अभी मिस्त्री खोजने के लिए गए हुए हैं। वो मिस्त्री लोग बोले कि पता नहीं और चाहिए शायद, मिस्त्री वो लोग बोले कि और चाहिए, तो इसीलिए गए हैं मिस्त्री खोजने। और आज हम लोग का महुआ चुनने का भी बारी है, तो पता नहीं कैसे क्या होगा। बहुत सारा काम है घर में आज। चांदनी भी आ गई, गुड मॉर्निंग चांदनी। अपना बैग ले गई थी वहां पे पढ़ने के लिए। क्या हुआ? चांदनी वाला था इसलिए। इधर बाबू भी सो के उठ गया है पूरा सुबह सुबह। बाबू गुड मॉर्निंग। और भाभी इधर चांदनी को पढ़ने बोल रही है, होमवर्क पूरा नहीं किया है सो करने बोल रही है। करो चांदनी जल्दी। फुआ के पास है, देखो बाबू भी पढ़ने खोज रहा है। देख बाबू पूरा पलटने लगा। पे अधन दे दिए हैं और लकड़ी तो खत्म हो गया है, बस 3 तो बचा हुआ है बड़ा बड़ा, तो जलाने के लिए छोटा लकड़ी लाना होगा। मैं जा रही हूँ लकड़ी लाने के लिए। रुका, लकड़ी इधर रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं, इसी को ले जाएंगे जलाने के लिए, इससे जल्दी जलता है। ये सरसों वाला है खड़ा, सरसों का खड़ा है। लकड़ी लेके आ गई, रख दी यहाँ पे। माँ को देखिए सुबह सुबह लेप लगा रही है। और यहाँ पे देखिए 3 तो हंडी लाद दी है। माँ यहाँ पे हाड़ी किनाल डाली दल देच की, यहाँ किनाल लादी दलासी नहीं सन।
जाने लगी। अब वहाँ पे रेडी होगी और स्कूल चल जाएगी। ये आग कितना तेज जल रहा है, मैं जला दी आग को और अदन भी हो चुका है, उसी टाइम जलाए थे। और इधर चांदनी ठेल दे रही है और चांदनी की सहेली आई हुई है, देखिए संध्या और चांदनी दोनों सहेली है। तो इधर मैं गोदी ले ली हूँ और भाभी अभी नाश्ता बना रही हूँ चांदनी के लिए। तो अभी मुझे चावल भी डालना है क्योंकि अदन हो चुका है। और उधर चांदनी संध्या के लिए क्या ला रही है, देखिए कितनी अच्छी है चांदनी, बाट बाट के खाती है। संध्या भी खाने लगी, इधर नहीं खाएगा अभी खाने के लिए। आज हम लोग के घर पूरा सुबह ही मिस्त्री लोग आ गए हैं, एक वहाँ है और एक मिस्त्री जी इधर है, अंदर घुस रहे सामान लेकर के। हो गया खाया हुआ तुम लोग का, खत्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है। देखिए मैं निकाल ली हूँ, अब मैं चावल डाल दूंगी धो करके अच्छे से। इधर संध्या बाबू को खिला रही है, संध्या और चांदनी। चावल में डाल दी और इधर दादाजी आए हुए हैं बाबू को लेने के लिए। बाबू के दादाजी मेरे काका हैं। और इधर सुबह सुबह मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम में, देखिए। और भाभी अभी झाड़ू लगा रही है। और यहाँ पे मैं लौकी निकाल ली हूँ कद्दू छीलने के लिए, लौकी सब्जी बनेगा आज हमारे घर में। ऐसा ना करीन, ऐसा ना करीन, बोल रहे थे दगन पट कत। आओ चले गए काका, बाबू के दादाजी हैं, दादा लगते हैं दादाजी। हमारा खाना बन गया है, यहाँ पे सब्जी है चना दाल आलू और लौकी का, और चावल बन गया है और दाल भी उधर कढ़ाई में, सारे चीज बन गया है अच्छे से, सब्जी दाल चावल। और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए दी है, बाबू को स्नान कर देंगे इसलिए। और माँ अभी पापा के लिए परोस दे रही है, पापा इधर बैठ गए हैं खाने के लिए। ये लोग अभी दतवन कर रहे हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद फिर उन लोग के लिए परोस देंगे। दोस्तों देख रहे हैं गांव के लोग कैसे लड़ते हैं हम लोग से। आए तो लोग बोले साहे।
चॉकले हो जाए। नहीं कोने को बस इन तो बहुत ऊपर उठो दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग का एक पड़ोस के अंकल लगते हैं, उनके साथ लड़ाई हो गया था, थोड़ा बकझक हो गया मम्मी पापा के साथ। तब ना उन लोग का बाड़ी जो है क्या भिंडी लगाया है, सो वही नहीं खा दिया। हम लोग का बैल तो ऐसे बंधा हुआ रहता है और हम ही लोग को बोल रहे थे किसका खा दिया है, और हम ही लोग को बोल रहे थे तो इसीलिए मम्मी पापा बोल रहे थे कि हम लोग का बंधा हुआ रहता है और हम लोग को क्यों बोल रहे हैं, सो वही बकझक हो गया। गांव में इसी तरह होते ही रहता है बकझक एकदम, किसका किसी और का खा देगा और किसी और को बोलेगा, इसी तरह में लड़ाई हो जाता है। तो हो जाती, काफ़ी लड़ाई हो जाती, तो मैं माँ को घर ले आई और पापा को भी, नहीं तो फिर पूरा लड़ाई हो जाती अभी। तो बैल सबको मैं खोल दी हूँ और देखिए उधर खेत में चर रहा है। और बाबू को भी मैं ले आई और घर में अभी तो काम चल ही रहा है। भैया भी किधर गए हुए, मिस्त्री लोग का छुट्टी हो गया है तो घर में ऐसे खपड़ा जो है उसको अंदर घुसाना है, सो घुसा रहे हैं सभी लोग और मैं बैल सबको इधर हूँ लाई हूँ। तो अब मुझे घर लेके जाना है, तो ठीक है आज की ब्लॉग में ही पेंट करती हूँ। बाबू को पहले मैं घर पहुँचा लूँगी, उसके बाद फिर लेने आऊँगी बैल सबको। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल में न्यू होंगे तो। बाबू बाय बाय बोलो, बाय बाय।